हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर वालों का 2022 का पेपर, मतलब ये प्रीवियस ईयर का पेपर है आप लोगों का। और इसके बारे में मैं बताऊंगा कि वाटरशेड एंड बेस्ट लैंड मैनेजमेंट का ये आप लोगों का कोर्स का पेपर है। तो इसको मैं आप लोगों को पूरा मतलब उत्तर सहित आपको बताने वाला हूँ, सॉल्व कराने वाला हूँ। तो इसको आप लोग ज़रूर देखिए और पूरा देखिए, स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने की संभावना रहती है। तो आप लोग इसको एक बार नहीं बल्कि दो बार ज़रूर देख कर जाइएगा कम से कम। और पेपर को बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चन को पढ़ के जाना है आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए, ठीक है। और ये 2022 का आपका पेपर है, ठीक है। इसका जो पेपर कोड है वो 6007 रहता है, और बुकलेट सीरीज जो है वो मेरे पास अभी डी है। तो चलिए, मैं देखता हूँ इसके सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा, और बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश भी करूँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पेपर। तो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अवनलका छरड़ मुख्यतः उत्पन्न होता है। तो अवनलका छरड़ जो होता है वो किससे उत्पन्न होता है? तो ये खड्ड भूमि से उत्पन्न होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रॉड आधारित टेरेस का निर्माण किया जाता है। तो ब्रॉड आधारित टेरेस का निर्माण किया जाता है, तो किससे किया जाता है? ब्रॉड आधारित टेरेस का निर्माण किससे करते हैं? तो इसका जो किया जाता है, इसका अभी सही आंसर कंफर्म नहीं है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि झूम खेती है। तो झूम खेती क्या है? तो झूम खेती में क्या है कि चक्रानुक्रम कृषि वाहन की पद्धति, बी नंबर चक्रीय खेती, सी नंबर है इसे जलाना और सस्ते फसलों को उगाना, और उपयुक्त डी, ऑप्शन नंबर उपयुक्त डी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि कौन सा मृदा निम्नीकरण का प्रकार है। तो मृदा निम्नीकरण का जो प्रकार है वो कौन सा है? भौतिक निम्नीकरण, रासायनिक या जैविक निम्नीकरण, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी इसमें से जितने भी हैं ये मृदा निम्नीकरण के ही प्रकार हैं, दिए गए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है कि पोषक तत्वों की कमी का मुख्य कारक क्या होता है। तो पोषक तत्वों की जो कमी होती है वो किस कारक से होती है? रासायनिक निम्नीकरण में होती है, ऑप्शन बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कृषि अयोग्य बेकार भूमि है। तो कौन सी कृषि अयोग्य बेकार भूमि होती है? तो ये जो होती है ये आपकी बंजर चट्टानी भूमि होती है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है आप लोगों का जलभराव वाली भूमि के लिए पुनर्वास के लिए उपचारात्मक उपाय है। तो उपचारात्मक जो उपाय होता है वो कौन सा होता है? तो सतही एवं उपसतही जल का निकास, अतिरिक्त पानी निकालना, रिसाव को रोकने के लिए नहर का स्तर, और इसके बाद उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका उपयुक्त सभी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, जलमग्नता के कारण मृदा में परिवर्तन होते हैं। तो जलमग्नता के कारण मृदा में परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? भूमिगत जल में वृद्धि, मृदा वायु में कमी और मृदा तापमान में कमी। तो ऑल ऑफ द एबव ये सभी सही होंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई। तो राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना जो की गई ये आपकी कब की गई थी? 1985 में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल वन क्षेत्र आच्छादित हैं। तो कुल वन क्षेत्र आच्छादित हैं, तो ये कितने परसेंट जो इसका आच्छादित है वो अभी कन्फर्म नहीं हो पाया है, तो इसका भी आंसर मैं आप लोगों को बाद में दूंगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कृषि वाहन की प्रणाली अपनाई जाती है। तो कौन सी कृषि वाहन की प्रणाली अपनाई जाती है? यूकेलिप्टस और प्लस धान, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा सीरिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक मृदा निम्नीकरण हुआ है। तो मृदा निम्नीकरण ये सबसे अधिक मृदा निम्नीकरण किस में है? तो इसका आंसर वैसे यूपी सही होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मृदा निम्नीकृत क्षेत्र कितना है। तो भारत में जो मृदा निम्नीकरण क्षेत्र है इसका अभी आंकड़ा जो है वो कन्फर्म नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं कि भारत बंजर भूमि विकास हेतु कौन सी तकनीकी है। तो बंजर भूमि के विकास हेतु भूमि अपरदन नियंत्रण करना, निम्नीकृत मृदाओं का प्रबंधन करना तथा बीहड़ भूमि का प्रबंधन करना। तो उपयुक्त डी नंबर इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जल समिट है। तो जल समिट क्या होती है? तो जल समिट क्या होती है? ये एक जियोग्राफिकल यूनिट होती है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि जल समिट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो जल समिट तकनीक का प्रयोग किसमें करते हैं? तो ये बरानी क्षेत्रों में किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा।
अगला क्वेश्चन है कि झूम खेती प्रचलित है, तो झूम खेती ये कहाँ पर प्रचलित होती है, ये नागालैंड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लवण प्रभावित मृदा का क्षेत्रफल है, तो लवण प्रभावित मृदा का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय मृदाएँ मुख्यतः पाई जाती हैं, तो क्षारीय मृदाएँ मुख्यतः किस में पाई जाती हैं बताइए, तो क्षारीय मृदाएँ जो होती हैं मुख्यतः ये शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु में पाई जाती हैं वैसे, बट अभी ये डाउट में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पीएच वाली मृदा कहलाती है, तो पीएच 5 वाली मृदा जो होती है वो कहलाती है, तो अम्लीय मृदा कहलाएगी, क्योंकि 7 से जो कम होती हैं वो अम्लीय मृदा होती हैं और 7 से जो अधिक होती हैं तो वो क्षारीय मृदा कहलाती हैं। इसके बाद बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अयोग्य बंजर भूमि नहीं है, तो अयोग्य बंजर भूमि नहीं है तो ये नग्न पथरीले क्षेत्र वाली अयोग्य बंजर भूमि नहीं होती है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि जल संग्रहण शब्द किसने दिया, तो जल संग्रहण शब्द जो दिया ये मायर्स ने दिया, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि NBSS एवं LUP स्थित है, तो NBSS बा एवं LUP स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, ये नागपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका सी डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि चना युक्त मृदा का निर्माण होता है, तो चना युक्त मृदा का निर्माण कहाँ पर होता है, शुष्क एवं नम क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मृदा निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारक है, तो मृदा निम्नीकरण के लिए जो उत्तरदायी कारक होता है वो क्या होता है, तो इसमें लवणीयता, क्षारीयता, मृदा अपरदन तथा कार्बनिक अपशिष्ट उपरोक्त सभी होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन होगा कि चिपको आंदोलन है, तो चिपको आंदोलन क्या है कि एक एक पेड़ बचाओ आंदोलन हो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं कि वनों की कटाई का खतरनाक प्रभाव पड़ता है, तो किस पर पड़ता है, मृदा अपरदन पर पड़ता है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि डीनाइट्रिफिकेशन अधिक होता है, तो डीनाइट्रिफिकेशन किस में होता है, तो जलमग्न क्षेत्र भूमि में अधिक होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि मरुस्थलीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो मरुस्थलीय मिट्टियाँ किस में पाई जाती हैं, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा इसमें। आगे बात करते हैं, अपरदन को बढ़ावा देने वाली फसल है, अपरदन को बढ़ावा देने वाली फसल जो है वो कौन सी है, मक्का है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है CAZRI स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये जोधपुर में स्थित है हमारा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वनों की कटाई, अधिक चराई, स्थानांतरित खेती, उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर सही होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, प्राकृतिक या सामान्य क्षरण कहलाता है, तो प्राकृतिक या सामान्य क्षरण क्या कहलाता है, भूगर्भीय क्षरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पट्टीदार खेती का कौन सा रूप है, तो पट्टीदार खेती का कौन सा रूप होता है, तो कंट्यूर पट्टीदार खेती, वायु पट्टीदार तथा बफर पट्टीदार खेती, ये सभी वायु पट्टीदार खेती के ही रूप होते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मिनी वाटरशेड क्षेत्र का आकार होता है, तो मिनी वाटरशेड क्षेत्र का जो आकार होता है वो 1 से 100 तक होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा कि जल समेट सिद्धांत प्रबंधन का सिद्धांत है, तो क्या है, संसाधनों का संरक्षण करना, संसाधनों को उत्पन्न करना, संसाधनों का उपयोग करना, तो उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। इसके बाद बात करते हैं, कौन सा जल समेट का अवयव नहीं है, तो कौन सा जल समेट का जो अवयव है वो नहीं है, तो जल समेट का जो अवयव है इसमें फसल प्रबंधन का नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या है, मृदा एवं जल संरक्षण की स्थाई संरचना कौन सी है, तो मृदा एवं जल संरक्षण की स्थाई संरचना मेड़ कहलाती है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कारक जल समेट प्रबंधन को प्रभावित करता है, तो कौन सा कारक ऐसा होता है जो जल समेट प्रबंधन को प्रभावित करता है, तो जल समेट की विशेषताएं, जलवायु की विशेषताएं, भूमि उपयोग पैटर्न या उपयोग सभी, तो उपयोग सभी, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा एक बार, ठीक है। इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को डेली प्रोवाइड हो रहे हैं, और भी वीडियो जो आपके कोर्स से रिलेटेड हैं वो मैं आप लोगों को चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे, अगर नहीं है तो वो आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है, इसके बाद भी, तो आप लोग उनको भी ज़रूर देख कर जाइए, और इस पेपर को तो बिल्कुल भी आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे उनका भी एग्जाम अच्छा हो सके, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं कि मेड़ पंक्ति अंतर सस्यन को कहते हैं, तो मेड़ पंक्ति अंतर सस्यन को क्या कहते हैं, एले क्रॉपिंग कहते हैं, वितिका सस्यन, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो होगा ये राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जल एवं मृदा प्रबंधन संस्थान स्थित है, ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि फसलों के साथ पेड़ उगाना कहलाता है, कृषि फसलों के साथ तो इसे कृषि वानिकी पद्धति कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा।
अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमि क्षरण को रोका जा सकता है, तो भूमि क्षरण को वनीकरण मतलब एफॉरेस्टेशन के द्वारा रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कृषि वानिकी चारागाह प्रणाली का संबंध है, कृषि वानिकी चारागाह जो प्रणाली है इसका संबंध किससे होता है, तो इसका संबंध सी नंबर से है, फसल प्लस चारा फल प्लस चारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। इसके बाद बात करते हैं कि सूखे का प्राकृतिक कारण क्या है, तो सूखे का जो प्राकृतिक कारण है वो वर्षा की विफलता होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। इसके बाद बात करते हैं कि जिप्सम का प्रयोग किया जाता है किसके सुधार के लिए, क्षारीय मृदा के सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट होगा। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो लबड़ी मृदा को किसके उपयोग द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, तो ये FYM के प्रयोग करके पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि चूने का प्रयोग किसके सुधार में करते हैं, तो चूने का जो प्रयोग किया जाता है ये एसडिक मृदाओं में मतलब एसडिक अम्लीय मृदाओं में करते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय मिट्टी की समस्या है, तो क्षारीय मिट्टी की समस्या क्या होती है, तो ये जो होती है क्षारीय मिट्टी की जो समस्या आती है, इसमें आपके एक से ज़्यादा लग रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर उच्च बिल्टिंग गुणांक और मृदा कोलाइड्स का बिखराव ये दो तो हो ही सकते हैं, तो इसके अलावा इसमें कोई आपका ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, तो देख लीजिए अपने हिसाब से कि क्षारीय मृदा की समस्या है, तो दोनों ही सही हो सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है कि जलमग्न वाली मृदा में उच्च सांद्रता होती है, तो जलमग्न वाली जो उच्च सांद्रता होती है तो इसमें क्या होती है, मीथेन की होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि ये मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को मिलाने की प्रमुख भूमिका है, तो किसकी होती है, मृदा की भौतिक दशा में सुधार करना इसकी भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि पहाड़ी मृदाएं मुख्यतः होती हैं, तो पहाड़ी मृदाएं मुख्यतः कहाँ किस कैसी होती हैं, ये अम्लीय होती हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि सफ़ेद क्षारीय मृदाएं हैं, तो सफ़ेद क्षारीय मृदाएं कौन सी होती हैं, तो ये लबड़ी मृदाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है मृदा क्षरण की चौथी अवस्था है, तो मृदा क्षरण की जो चौथी अवस्था होती है वो क्या होती है, गली इरोजन मतलब अवनल का क्षरण होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उनके भी पेपर का मिलान हो सके और वो लोग भी अपने मतलब जो होने वाला आपका एग्ज़ाम है प्रीवियस ईयर का पेपर, तो अच्छे से मतलब अपना जो पेपर होगा तो वो दे सकें। और इसके बाद अगर आप लोगों को और भी जो मेरे वीडियो हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आप लोगों को अपलोड कर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि वायु क्षरण मुक्तता होता है, तो वायु क्षरण किस क्षेत्र में होता है, तो शुष्क क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है यू आकार की अवनलिकाएं पाई जाती हैं, तो कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है गली के नेटवर्क को कहा जाता है, तो गली के नेटवर्क को क्या कहते हैं, अवनलिका क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है रेत के टीले का संबंध है, तो रेत के टीले का जो संबंध है ये विंड इरोजन वायु क्षरण से होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे एक बार लाइक कर दीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इस सब्जेक्ट से जो भी रिलेटेड आप लोगों के जो वीडियो हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड जरूर करा दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।